आज हम जागो फिर एक बार नामक कविता के बारे में बातचीत करेंगे। जागो फिर एक बार कविता विख्यात छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित है। ये कविता परिमल नामक काव्य संग्रह का हिस्सा है। हमें मालूम है भारत विश्व के नेता थे, लेकिन काल प्रवाह में भारत ही अपनी क्षमताएं भूल गए। उसी मौके में अंग्रेजी लोग भारत में आया और भारत को अपने कब्जे में कर दिया। ऐसे माहौल में कवि प्रकृति के माध्यम से भारतीयों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। निराला जी बता रहे हैं, रात में पूरे तारे तुम्हें जगाने की कोशिश करते रहे, मगर वे असफल रहे। अब सूरज निकल चुका है, नींद से उठने का वक्त आ गया है, अर्थात अब भारत स्वतंत्र नहीं है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने का वक्त आ गया है। प्रकृति के बिंबों के माध्यम से भारतीयों को कवि यहाँ जगा रहे हैं और प्रकृति के मनोरम दृश्य भारतीयों को दिखा रहे हैं। मधुकर मधु पीकर कमल के फूलों में सो जाते हैं, कमल के मधु में मुग्ध होकर मधुकर कमल के दलों के चारों ओर मंडराते रहते हैं। शाम को कमल के दल बंद हो जाते हैं और मधुकर उसके अंदर फंस जाते हैं। उसी प्रकार भारतीय विदेशियों के कब्जे में है, उनके कब्जों में से अपने देश को बचाने की प्रण लेने का अवसर है यह, ऐसा कवि यहां बता रहा है। अपनी आंखों खोलो और अपनी जन्मभूमि को विदेशी शक्तियों से मुक्ति दिलाओ। अगली पंक्तियों में फिर कवि प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। सूरज अब पश्चिम की ओर जा चुका है, आसमान में चंद्रमा आ चुकी है, रात का सुगंध चारों ओर फैल चुका है। चकोर अपनी प्रिय को मिलने की इच्छा से अपनी चाहत को अपने अंदर समेटे हुए उम्मीद भरी आंखों से चंद्रमा को देख रहा है। शिशिर के आगमन से व्याकुल सभी फूल सर झुका रहा है, हर कहीं मस्त वातावरण फैल चुका है। कलियों में मधु भरा हुआ है, पूरी प्रकृति में मादक और प्रेरक वातावरण फैल चुका है। परतंत्रता से मुक्ति के लिए कर्मवीर होने की प्रेरणा कवि इस प्रकार भारतीयों को दे रहे हैं। अगले पंक्तियों में प्रिय के विरह के कारण पपीहे पीयू पीयू रट रहे हैं, विरह ने बीते हुए प्रिय के साथ के पलों को यानी मिलन के पलों के बारे में सोचकर अपने पी से मिलने की कल्पना कर रही है। उस मिलन के पलों के बारे में सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल रही है, इस तरह उसको तसल्ली भी मिल रही है। कवि हम भारतीयों को अपने अतीत से ऊर्जा पाकर उड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। दुख से बचकर आंखें निकलना है और अब भारतीय जिस मोह निद्रा में पड़ा हुआ है उस मोह निद्रा से अपने आप को जगाना है, अपने आप को जगाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाना है। आंखें पहुंचकर निद्रा के कारण उत्पन्न आलस से जागो, मन में जोश भरो, आलस रूपी वस्त्र को छोड़ो, अपनी कल्पनाओं को मुक्त छोड़ो। तुम्हारी तन और मन थक जाने पर जिस प्रकार सुगंध हवा में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि बुद्धि में और मन मन में विलीन होने दें। सभी जन जागृत हो उठें, सभी के दिलों में स्वतंत्रता का विचार आ जाए, सभी लोग जागृत हो जाएंगे तो आज़ादी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। सिर्फ एक या दो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पूरे समाज एक साथ काम करने पर ही भारत को आजादी मिलेंगे।
सूर्य पूर्व दिशा से अपनी सैर शुरू कर चुका है। प्रकृति में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, दिन और रात आते जाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में पक्ष, मास और वर्ष जुड़ जाते हैं। संसार चक्र चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं। समय की गति पहचान कर स्वतंत्रता के लिए आगे आने की प्रेरणा भारतीयों को कवि दे रहे हैं। जागरण की शक्ति में कवि की आस्था है, वो इस कविता में प्रकट हो रहे हैं। इस कविता के जिन पंक्तियों को हमें अध्ययन करना है, इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार आएगा। सुप्त भारतीय जनता को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान है जागो फिर एक बार कविता। भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न निराला जी इस कविता में किया है। जिस हमें मालूम है हमारे चारों ओर जो प्रकृति है उस बहुत सुंदर है, उस प्रकृति की भंगिमा बताते हुए जागरण का शंख कवि फूंक रहे हैं। कवि भारतीयों को समझा रहा है, तुम्हारी गुलामी का कारण तो तुम्हारा ही आलस्य है। तुम गुलाम रहने का कारण और कोई नहीं है, तुम लोग ही है। कवि फिर याद दिला रहे हैं अपनी श्रेष्ठता को पहचानो और आगे बढ़ो।